हेलो। तो लेट अस सी सर्टेन डिजीजेस, टाइप्स ऑफ डिजीज हमने देखा आपको, कंजेनाइटल डिजीज जिसको हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं, बाय बर्थ है जो, और एक्वायर्ड किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी डिफिशिएंसी के कारण, कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा, एडिक्शन होगा या कैंसर होगा। चलिए, अगर एक डिजीज जो अक्सर पूछी जाती है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, टाइफॉइड क्या है? टाइफॉइड ये एक्यूट इन्फेक्शन है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण ये इन्फेक्शन होता है। इसमें फीवर जो है 102 से 104 डिग्री फारेनहाइट फीवर होता है। इसमें स्टमक पेन होगा, स्टमक पेन इसमें होगा, इसमें वीकनेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वीकनेस होगा, और इसमें जो है जो दवा अक्सर दी जाती है वो सिप्रोफ्लॉक्सीन है, सिप्रोफ्लॉक्सीन है, एम्पिसिलिन भी दे सकते हैं, और इसका टेस्ट जो है विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट है। ये एक तरह का डिजीज है एलमेंट्री कैनाल का, इंटेस्टाइनल का, और ये फैलता जो है खाने पीने से है। इसमें फीवर जो है वो हाई फीवर होता है, भूख नहीं लगती है ना। इसमें कुछ खास बात यह है, और कभी कभी इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। दूसरा आपका जो डिजीज है, ये भी बड़ा छोटे बच्चों को बड़ा कॉमन है, निमोनिया। ये डिजीज ऑफ लंग्स है, डिजीज ऑफ लंग्स। इसमें लंग्स में इन्फेक्शन होगा, और होगा क्या, म्यूकस भर जाएगा। म्यूकस कहाँ भरेगा, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में म्यूकस भर जाएगा, ब्रैंकियोल्स में भी भर सकता है, ब्रैंकियोल्स में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा। तो होगा क्या, इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, और इसमें जो कुछ अन्य सिम्टम्स हो सकते हैं, सडन चिल, एकाएक आपको ठंडा लगेगा,
वेन होगा, कफ निकलेगा, लिप्स जो है वो, लिप्स और नेल्स, ये ब्लू कलर हो जाएंगे, ब्लूइश हो जाएंगे, तो समझ जाइए कि निमोनिया है। क्यों होता है, काजेटिव एजेंट क्या है इस निमोनिया का, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या एक और कभी कभी नाम भी पूछा जाता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो और अगर टाइफाइड का देखें तो साल्मोनेला, साल्मो नेला टाइफी। तो काजेटिव एजेंट पूछेगा, सिम्टम पूछेगा, कैसे क्योर किया जाता है और कौन सा टेस्ट है। इसके बाद एक दूसरी डिजीज अक्सर पूछी जाती है, वो डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया जो है, ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है इसमें, एक्यूट इन्फेक्शन होता है इसमें, एक्यूट इन्फेक्शन होता है इसमें, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होती है, मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होगी। इसमें एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाता है, फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाता है, ये और दूसरा एक डिजीज जो है जिसको हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कॉमन कोल्ड का एक दूसरा नाम राइनिट्स है, और ये इन्फेक्शन जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का है, और काजेटिव एजेंट जो है राइनो वायरस है, राइनो वायरस की हंड्रेड्स टाइप्स के होते हैं, बहुत वैरायटी है,
ये केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा। सबसे खास बात यह है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है। और इससे होता क्या है, नेजल कंजेशन हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगी, फ्लो ऑफ म्यूकस चलने लगेगा, ये कभी कभी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, फीवर भी हो सकता है, कुछ ये एलर्जिक भी होते हैं। एलर्जिक होते हैं, दस्त से एलर्जी होने पर ये हो सकता है। अब इसके बाद जो डिजीज बताने जा रहे हैं, डेंगू, आप जानते हैं हाई फीवर है, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और ये टाइगर मॉस्किटो जिसको एडीज बोलते हैं, इसकी फीमेल कैरियर होगी और काजेटिव एजेंट, डेन वन, डेन टू, डेन थ्री, डेन फोर, ये काजेटिव एजेंट होते हैं डेंगू के। इसमें फीवर काफी ज्यादा होता है, हाई फीवर, ये फीवर 105 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसमें वोमिटिंग की शिकायत है, वोमिटिंग की शिकायत है, एब्डामिनल पेन होगा, ब्लीडिंग होगी इंटरनल ऑर्गन में, वो आपको स्टूल में मिल सकता है ब्लीडिंग, आपको यूरिन में ब्लीडिंग मिल सकता है, वोमिटिंग में ब्लीडिंग मिल सकता है,